हेलो स्टूडेंट्स, मेहता कॉलेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपना बीएससी फाइनल के अंदर सॉलिड स्टेट चल रहा था, सॉलिड स्टेट में बैंड थ्योरी चल रही थी। इसमें टॉपिक था अपना, ये पिछले टाइम क्रोनिक पेनी मॉडल पढ़ा था। अब क्रोनिक पेनी मॉडल में ही आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है ब्रूलियन जोन। ब्रूलियन जोन तो हेडिंग डालूँ, आज का टॉपिक है ब्रूलियन जोन। तो सबसे पहले ब्रूलियन जोन देख लेते हैं। ब्रूलियन जोन होता है, जब केपी मॉडल था, केपी मॉडल में जो क्रोनिक पेनी इक्वेशन आई थी, उस क्रोनिक पेनी इक्वेशन में पी का मान अपन ने जीरो पुट किया था। पी का मान जीरो पुट किया था। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी अपनी पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा प्लस कोस एल्फा ए इज इक्वल टू कोस के ए। इस क्रोनिक पेनी समीकरण में पी का मान जीरो पुट किया था, पी का मान जीरो पुट किया था, तो अपने पास एनर्जी आई थी ई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर टू एम। एच कट स्क्वायर के स्क्वायर टू एम। अब यहाँ जब ई एनर्जी और के बीच में एनर्जी और के बीच में ग्राफ खींचे, जब एनर्जी और के प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ पैराबोलिक आता है, और इस पैराबोलिक में जो के है वो के कई जगह असांतत्य होता है और उस क्षेत्र को ब्रूलियन जोन कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लो। इधर तो है अपनी एनर्जी, इधर तो है एनर्जी, इधर है आपका के, दिखाई नहीं दे रहा, इधर है आपका के, दिखाई इधर आपका के है, यह है आपका जीरो पाई अपॉन ए, दूसरा है टू पाई अपॉन ए, यह है थ्री पाई अपॉन ए। ऐसे ही इधर माइनस पाई अपॉन ए, ये है माइनस टू पाई अपॉन ए, माइनस थ्री पाई अपॉन ए, ये ग्राफ है। तो इसके अंदर जो माइनस पाई अपॉन ए से लेके पाई अपॉन ए तक जो ये क्षेत्र है, इस हाइपरबोलिक में जो ये क्षेत्र है, ये माइनस पाई से लेके प्लस पाई ए तक, इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रूलियन जोन। इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रूलियन जोन, इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रूलियन जोन। यहां पर ये वाला है और ये
इसको बोलते हैं सेकंड ब्रिलियन जोन, यहां लिख देता हूं सेकंड ब्रिलियन जोन, इसको भी सेकंड ब्रिलियन जोन बोलते हैं। यानी माइनस पाई अपॉन ए से लेके माइनस टू पाई अपॉन ए तक जो क्षेत्र है उसको सेकंड ब्रिलियन जोन, और इधर पाई ए से लेके टू पाई ए तक जो क्षेत्र है परवलय में वो भी सेकंड ब्रिलियन जोन, सेकंड ब्रिलियन जोन। अब माइनस टू पाई अपॉन ए से लेके माइनस थ्री पाई अपॉन ए, ये है थर्ड ब्रिलियन जोन, तीसरा ब्रिलियन जोन। इधर ये आपका थर्ड ब्रिलियन जोन, थर्ड ब्रिलियन जोन। तो यहां पर इसमें लिखो जब क्रोनी पेनी इक्वेशन में, जब क्रोनिक पेनी इक्वेशन, इक्वेशन में लिख लो आप, कोष्टक में लिख लो पी साइन एल्फा ए अपॉन एल्फा ए प्लस कोस एल्फा ए कोस के ए, इस इक्वेशन में पी बराबर जीरो हो, इक्वेशन में पी बराबर जीरो हो तो एनर्जी ई इज इक्वल टू आती है एच के टी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन टू एम प्राप्त होती है, ई तथा के मध्य परवलयिक ग्राफ है, पैराबोलिक ग्राफ है, ई व के मध्य परवलयिक या पैराबोलिक कर लो। पैराबोलिक ग्राफ परवलयाकार ग्राफ बनता है, ये परवलयाकार ग्राफ ई और के बीच में परवलयाकार ग्राफ बन गया। ये देखो ये वाला ये ग्राफ बन गया, इधर आपका के है इधर आपकी एनर्जी है, परवलयाकार ग्राफ बनता है। जो बिंदु कौन कौन से हैं, बिंदु है आपका के इक्वल टू देखो प्लस माइनस पाई अपॉन ए, ये हो गया प्लस माइनस टू पाई अपॉन ए प्लस माइनस थ्री पाई अपॉन ए डैश डैश डैश। पर जो बिंदु पाई अपॉन ए टू पाई अपॉन ए थ्री पाई अपॉन ए डैश डैश प्लस माइनस एन पाई अपॉन ए, एन क्या है इंटीजर ए, पर जो बिंदु इन बिंदुओं पर असांतत्य हो जाता है, असांतत्य हो जाता है, असांतत्य हो जाता है, असांतत्य हो जाता है। अब जहाँ पर असांतत्य हो जाता है, जगह यहाँ पर असांतत्य हो गया, यहाँ पर असांतत्य हो गया, यहाँ पर तो इन असांतत्यों से घिरे
हुए क्षेत्र को ब्रिलियन जोन कहते हैं। तो लिखो असांतत्य हो जाता है। इन असांतत्यों से घिरे के क्षेत्र को, घिरे के क्षेत्र को, के क्षेत्र को ब्रिलियन क्षेत्र कहते हैं या ब्रिलियन जोन कहते हैं। जब केपी मॉडल के अनुसार जो केपी इक्वेशन है उस इक्वेशन में पी का मान जीरो रखें तो अपने पास एनर्जी आती है ई इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन टू एम, जहाँ के और एम के बीच में पैराबोलिक ग्राफ आता है, उस पैराबोलिक ग्राफ में के का मान पाई प्लस माइनस पाई अपॉन ए प्लस माइनस पाई टू पाई अपॉन ए थ्री पाई अपॉन ए डैश डैश एन पाई अपॉन ए मान रखें, तो जो असांतत्य हैं असांतत्य पॉइंट हैं वो प्राप्त होंगे। और इन असांतत्य बिंदुओं से जो के घिरा होगा क्षेत्र, उस घिरे हुए के क्षेत्र को ब्रिलियन जोन कहते हैं। जैसे यहाँ पर असांतत्य है, यहाँ पर असांतत्य प्लस माइनस पाई अपॉन है, तो इससे जो क्षेत्र घिरा होगा ये वाला, इससे ये जो क्षेत्र घिरा होगा इसको बोलेंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन, इस क्षेत्र को बोलेंगे फर्स्ट ब्रिलियन जोन। दूसरा सेकंड ब्रिलियन जोन है, ये है माइनस पाई अपॉन ए से माइनस टू पाई अपॉन ए तक, ये वाला। इधर तो ये आ गया, इधर ये आ गया, ये वाला जो थर्ड है वो थर्ड ये रहा, इधर ये रहा, तो ये ब्रिलियन जोन आ गए। डायग्राम बना लो, ये लिख लो, इसमें ये भी लिख लो प्रथम ब्रिलियन जोन, इसमें लिख लो कहाँ से कहाँ तक है, माइनस के इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन ए से लेके माइनस पाई अपॉन ए से प्लस पाई अपॉन ए तक। सेकेंड ब्रिलियन जोन ये है के इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन ए से माइनस टू पाई ए से माइनस टू पाई अपॉन ए तक तथा प्लस टू पाई ए से तथा प्लस टू पाई ए से माइनस सॉरी प्लस पाई ए से प्लस टू पाई ए तक, ये द्वितीय ब्रिलियन जोन हो गया। तृतीय तृतीय ब्रिलियन जोन आ गया, ये है आपका के का मान है माइनस टू पाई अपॉन ए से माइनस थ्री पाई अपॉन ए तक तथा प्लस टू पाई ए से लेके प्लस थ्री पाई ए तक, ऐसे ही चौथा पांचवा चौथा चतुर्थ पंचम ये चलते जाएंगे, चौथा पांचवा छठा चलता जाएगा, क्योंकि यहाँ और भी तो बनेंगे,
जैसे ये बन गया आपका चौथा, पांचवा, छठवा, तो ये चलते जाएंगे। यहाँ तक लिखो इसको, अब जो इनकी बाउंड्री है, इन जोनों की बाउंड्री है, जैसे बाउंड्री कौन सी, ये वाली बाउंड्री, जैसे ये बाउंड्री आ गई, ये बाउंड्री आ गई फर्स्ट ब्रिलियन जोन और सेकंड ब्रिलियन जोन की, ये बाउंड्री आ गई ये वाली, ये सेकंड ब्रिलियन जोन और थर्ड ब्रिलियन जोन की, ये आ गई थर्ड और फोर्थ की, ऐसे ही ये आ गई फर्स्ट और सेकंड की, सेकंड और थर्ड की, थर्ड और फोर्थ की। तो यहाँ पर एनर्जी का मान क्या होता है, तो लिखो इसमें ब्रिलियन जोन बाउंड्री पर ब्रिलियन जोन बाउंड्री पर बाउंड्री परिसीमा, परिसीमा पर ऊर्जा का मान, ऊर्जा का मान ब्रिलियन जोन बाउंड्री पर ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की उस अधिकतम ऊर्जा के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन की उस अधिकतम ऊर्जा के बराबर होता है, अधिकतम ऊर्जा के बराबर होता है, जहां बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का अधिक, इलेक्ट्रॉन की मान इलेक्ट्रॉन की उस अधिकतम ऊर्जा के बराबर होता है जो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन बिना असांतत्यता के रख सकता है, बिना असांतत्यता डिसकंटिन्यूटी असांतत्यता के रख सकता है, ब्रिलियन जोन बाउंड्री पर ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन की उस अधिकतम ऊर्जा के बराबर होता है जहां इलेक्ट्रॉन या जो इलेक्ट्रॉन बिना सांतत्यता के रख सकता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन बिना सांतत्यता के हो और उसकी जो एनर्जी होती है वही एनर्जी जो ब्रिलियन जोन है उनकी बाउंड्री पर होती है। लिखो, अब लिखो इन जोनों के मध्य या इन जोनों की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री पर फॉरबिडन एनर्जी गैप होते हैं, आपके वर्जित ऊर्जा अंतराल होते हैं, तो इन जोनों की बाउंड्री पर वर्जित ऊर्जा अंतराल होते हैं। इसमें लिखो इन जोनों की बाउंड्री पर या इन ऊर्जा अंतरालों के मध्य, इन ऊर्जा अंतरालों के मध्य इन ऊर्जा अंतरालों के मध्य या इन जोनों की बाउंड्री पर
मध्य फोरबिडन एनर्जी गेप, फोरबिडन एनर्जी गेप, गेप कर लो या बैंड कर लो, बैंड कर लो, एनर्जी बैंड होते हैं इन ऊर्जा अंतरालों के मध्य, फोरबिडन एनर्जी बैंड होते हैं। फोरबिडन एनर्जी बैंड के संगत फोरबिडन एनर्जी बैंड के संगत संगत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के लिए वर्जित है। फोरबिडन एनर्जी बैंड के संगत जो एनर्जी है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉनों के लिए वर्जित है, मतलब उस एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर सकते। तो फोरबिडन एनर्जी बैंड के संगत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के लिए वर्जित है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वर्जित है, ये लिखो, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वर्जित है। ब्रिलियन जोन बाउंड्री पर ऊर्जा का मान, या ब्रिलियन जोन बाउंड्री पर जो ऊर्जा का मान होता है वो ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉनों की उस अधिकतम ऊर्जा के बराबर होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन की उस अधिकतम ऊर्जा के बराबर होता है जो इलेक्ट्रॉनों को बिना असांतत्यता के रख सकती है, जो इलेक्ट्रॉनों को बिना डिसकंटिन्यूटी के रख सकती है। और जो ऊर्जा अंतराल हैं, उन ऊर्जा अंतरालों के मध्य जो आपका फोरबिडन एनर्जी गैप होता है, फोरबिडन एनर्जी बैंड, वो फोरबिडन एनर्जी बैंड उन ऊर्जा अंतरालों के मध्य स्थित होता है। फोरबिडन एनर्जी बैंड के संगत जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के लिए असंगत होती है या वर्जित होती है। ये हो गया। अब लिखो, हेडिंग डालो, द्विविमीय ब्रिलियन जोन, दो विमाओं में एक्स और वाई में, तो लिखो द्विविमीय ब्रिलियन जोन। टू डायमेंशनल ब्रिलियन जोन, द्विविमीय ब्रिलियन जोन, अब जो द्विविमीय ब्रिलियन जोन है वो दो दिशाओं में, अब वो निकालेंगे दिशा, दिशा निकालते हैं अपन एक्सरे डिफ्रैक्स, जो अपना एक्सरे डिफ्रैक्शन था उस डिफ्रैक्शन में अपने पास एक रिलेशन आया था, उस रिलेशन की सहायता से निकालते हैं, जी और के बीच में एक रिलेशन आया था, तो लिखो इसमें एक्सरे डिफ्रैक्शन से या फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन, फ्रॉम एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, एक्सरे का विवर्तन उस दिशा में होगा जो एक्सरे का या एक्स किरणों का विवर्तन उस दिशा में होता है, जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करती है, जो निम्न समीकरण को संतुष्ट करती है। समीकरण कौन सी थी? समीकरण थी अपनी
टू के जी प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो समीकरण लिखो टू के जी प्लस जी स्क्वायर, सॉरी जी का मोड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। के क्या है? के है आपका वेव प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, वेयर के इज इक्वल टू वेव प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट, तरंग संचरण नितांग। जी क्या है? जी है रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर ऑफ लेटिस, तो लिखो यानी जो आपका रेसिप्रोसिटी व्युत्क्रम सदिश था उसका व्युत्क्रम सदिश, व्युत्क्रम जालक सदिश, तो लिखो जी है आपका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर ऑफ लेटिस, जालक का व्युत्क्रम जालक सदिश। लिखो अब जो द्विविमीय जालक है या कोई भी द्विविमीय समतल ले लेंगे, उस समतल के लिए जालक सदिश लिखेंगे। जालक सदिश क्या होंगे? दो दिशाओं में होंगे, एक एक्स में और एक वाई में, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, तो जालक सदिश आ गए। लेकिन अपन को क्या चाहिए? रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, तो उनका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर निकालेंगे, यानी ए तो अपने पास आ जाएगा, ए से निकालेंगे अपन ए स्टार रेसिप्रोकल। तो लिखो इसमें लिखो द्विविमीय समतल पर, द्विविमीय समतल पर सरल जालक सदिश, सरल जालक सदिश, एक का मान और बी का मान एक एक्स डायरेक्शन में होगा एक वाई डायरेक्शन में होगा, तो लिखो इसमें ये ए ए वेक्टर, बी वेक्टर एक एक्स डायरेक्शन में है एक वाई डायरेक्शन में है, जहां पर जो एक्स और ए है, एक्स कैप और वाई कैप ये है यूनिट वेक्टर, ये हैं आपके यूनिट वेक्टर इकाई सदिश। अब इनके रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर ए स्टार बी स्टार निकालेंगे, तो लिखो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, इसके रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर लिखो इसको, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर क्या हो जाएंगे? ए स्टार हो जाएगा आपका टू पाई अपॉन ए, टू पाई अपॉन ए, और ये एक्स केप, एंड बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा बी स्टार टू पाई अपॉन बी, वाई केप, ये रेसिप्रोकल लेटिस हो गए। यहाँ से जी का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से जी का मान आ जाएगा आपका टू पाई अपॉन ए एन वन प्लस
एक्स केप प्लस टू पाई बी एन टू वाई केप, तो लिखो जी का मान, अतः जी, अतः जी, जी का मान, जी का मान हो जाएगा आपका टू पाई अपॉन ए एन वन एक्स केप प्लस टू पाई अपॉन बी एन टू वाई केप। एन वन और एन टू क्या है? एन वन और एन टू इंटीजर है, यानी एन का मान जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, तो इसी में लिख लो वेहर, वेहर एन वन एंड एन टू, एन वन एंड एन टू, ये हैं आपके इंटीजर। इंटीजर इनके मान हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डैश डैश डैश, आपके इंटीजर हैं। के का मान लिख लो, एंड के वेक्टर हो जाएगा आपका के एक्स एक्स केप और के वाई वाई केप। के का मान आ जाएगा के एक्स एक्स केप प्लस के वाई वाई केप। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ये जी वाली है आपकी टू और ये है आपकी थ्री। यहाँ तक लिखो टू वन टू थ्री, टू और थ्री का मान वन में रख देंगे, वन में रख के सोल्व कर लेंगे। लिखो लिखो इसमें इक्वेशन टू व थ्री का मान इक्वेशन वन में पुट करके सॉल्व करने पर, इक्वेशन टू व इक्वेशन थ्री का मान इक्वेशन वन में पुट करके सॉल्व करने पर, पुट करके सॉल्व करने पर, पुट करके सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास के एक्स एन वन प्लस के वाई एन टू इज इक्वल टू पाई अपॉन ए एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गई इक्वेशन चार। इक्वेशन चार लिखो, फिर एक डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ,
ये डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना लो, यहाँ पर ये है आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये है आपका ई एफ जी एच। यहाँ पर मैं इसको ये हो गया जो रेखांकित है हरे रंग से ग्रीन कलर से, जो रेखांकित है वो हो गया आपका सेकेंडरी ब्रिलियन जोन। ये आपका जो ब्लैक कलर से खड़ी लाइनें हैं वो आ गई थर्ड ब्रिलियन जोन। तो अपन द्विवी में ब्रिलियन जोन पढ़ रहे हैं, इसमें अपने पास इक्वेशन फोर्थ ही आ गई, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ के एक्स एन वन इज इक्वल टू सॉरी प्लस के वाई एन टू पाई अपॉन ए एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर, ये आ गई। यहां पर ये लिख लेना जो खाली बॉक्स है ए बी सी डी, वो खाली बॉक्स है फर्स्ट ब्रिलियन जोन। जो ये खाली है फर्स्ट ब्रिलियन जोन। फर्स्ट ब्रिलियन जोन जो हरे रंग से भरा है, यानी जो ये वाला है, वो आपका सेकंड ब्रिलियन जोन। ये है आपका थर्ड ब्रिलियन जोन। थर्ड ब्रिलियन जोन ये लिखो। अब देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ब्रिलियन जोन कैसे आए। तो लिखो, इसमें लिखो, पहला लिखो फर्स्ट ब्रिलियन जोन फर्स्ट कहां पर है, जो ए बी सी डी बॉक्स के अंदर ये दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन है। ये कहाँ से कहाँ तक होगा अभी देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक आता है।
इसमें लिखो इक्वेशन फोर्थ संतुष्ट होगी, इक्वेशन फोर संतुष्ट होगी यदि के वन का मान सॉरी एन वन का मान वन हो, एन वन का मान वन हो और एन टू का मान जीरो हो। एन वन का मान प्लस माइनस वन व एन टू का मान जीरो। इक्वेशन फर्स्ट संतुष्ट होगी यदि एन वन का मान प्लस माइनस वन हो व एन टू का मान जीरो हो। तो एन वन का मान ये रखा प्लस माइनस वन, तो ये आ गया आपका के एक्स, के एक्स इज इक्वल टू यहाँ मान किया वन, यहाँ प्लस माइनस था वो प्लस माइनस इधर आ जाएगा, प्लस माइनस पाई अपॉन ए, एक तो ये आ गया के एक्स प्लस माइनस पाई अपॉन ए। एक्स डायरेक्शन ये वाली, एक्स डायरेक्शन ये आपका ओ बिंदु, यहाँ पर क्या आ गया माइनस पाई अपॉन ए, यहाँ पर आ गया माइनस पाई अपॉन ए, यहाँ से लेके प्लस पाई अपॉन ए। अभी तो जो एक्स एक्स की लिमिट आई है, जो एक्स एक्स पे रेंज आई है, टू डी है तो एक्स भी होगा और वाई भी होगा, अभी तो ये रेंज और आएगी, अभी तो ये रेंज और आएगी। एक्स की तो आ गई प्लस माइनस पाई अपॉन ए, यदि ये हो। दूसरा दूसरा हो इसमें एन का मान हो जीरो व एन टू हो प्लस माइनस वन, एन टू हो प्लस माइनस वन, तब क्या होगा, तब के वाई आ जाएगा आपका वही आपका माइनस प्लस माइनस पाई अपॉन ए। के वाई भी आ गया कहाँ से कहाँ तक प्लस पाई अपॉन ए से लेके माइनस पाई अपॉन ए तक, ये आ गई फर्स्ट ब्रिलियन जोन। फर्स्ट ब्रिलियन जोन के लिए के एक्स का मान प्लस माइनस ए होगा, के वाई का मान प्लस माइनस ए होगा। तो यहाँ पर जो बॉक्स है ए बी सी डी, ये क्या है फर्स्ट ब्रिलियन जोन, लिखो इसमें अतः के एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए व के वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए के लिए, ए के लिए जो आरेख है ये वाला, इस आरेख का वर्ग ए बी सी डी, आरेख का आरेख का वर्ग ए बी सी डी, ए बी सी डी आरेख का वर्ग ए बी सी डी फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा, फर्स्ट ब्रिलियन जोन होगा। जोन होगा या इसको कहलाता हो, कहलाता है कर लो, ये तो आ गया आपका फर्स्ट ब्रिलियन जोन। अब सेकंड ब्रिलियन जोन कहाँ से कहाँ तक होगा, इस वाले बिंदु माइनस एक्स या माइनस के एक्स, ये प्लस के एक्स, ये माइनस के वाई, ये प्लस के वाई, तो इनकी लिमिट क्या है वो लिमिट निकालनी है। तो अब हेडिंग डालो सेकंड ब्रिलियन जोन, हेडिंग डालो सेकंड ब्रिलियन जोन।
सेकेंड ब्रिलियन जोन, समीकरण चार संतुष्ट होगी यदि, इक्वेशन चार संतुष्ट संतुष्ट होगी यदि n1 का मान हो 1 और वह n2 1 हो, n1 और n2 का मान 1 हो, तब क्या हो जाएगा? kx प्लस ky इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2 पाई a प्लस 2 पाई a, ये आ गया। एक तो ये आ गई kx प्लस ky 2 पाई a, दूसरा n1 माइनस 1 हो वह n2 भी माइनस 1 हो, तब ये मान पुट किया तो माइनस के वाई माइनस ले लिया कॉमन, kx प्लस ky यहाँ 2π/a, क्योंकि माइनस का स्क्वायर है तो ये माइनस इधर चला जाएगा, -2π/a ये हो गया। तीसरा n1 है, n2 -1 है, n1 वह n2 है -1, तब क्या होगी? तब इक्वेशन हो जाएगी kx - ky इज इक्वल टू 2π/a। चौथा n1 हो जाएगा आपके बार -1 वह n2 हो जाएगा +1, तब क्या होगा? तब हो जाएगा आपका -kx + ky इज इक्वल टू 2π/a इज इक्वल टू 2π/a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ले लिया कॉमन, kx + ky 2a ये चला गया इधर, ये माइनस आएगा ना, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आ गया इधर 2π/a बराबर। ये आ गया, तो यहाँ से रेंज क्या हो जाएगी? 2π a, तो ये हो जाएगी 2π a, ये हो गया आपका 2π a, ये हो जाएगा 2π a, ये हो जाएगा -2π a, ये हो जाएगा -2π a, -2π a। अब यहाँ देखो, जो ब्रिलियन जोन सेकंड था कहाँ से कहाँ तक था? -π a से लेके -2π a के बीच में, -π a से लेके -2π a के बीच में, -π से लेके -2π a के बीच में, ये था कि नहीं था? एक तो ये था, कौन सा? -π a से लेके -2π a के बीच में ये वाला, ये भी क्या हो गया? -π से लेके -2π a के बीच में, ये हो गया एक तो। दूसरा था +π a से लेके +π/a से लेके +2π/a ये वाला, -π a से लेके 2π/a तक ये वाला, +π/a से लेके 2π/a तक, देखो इसको, लिखो यहाँ पर, ये जो चार लाइनें हैं
ये चार लाइनें एक्स वाई अक्षों को चार बिंदुओं पर काटेंगी। इसमें लिखो इस प्रकार ये चार लाइनें के एक्स व के वाई अक्षों को 45 डिग्री पर ये 45 90 को अक्षों को 45 डिग्री पर चार बिंदुओं ई एफ जी एच 45 डिग्री पर चार बिंदुओं ई एफ जी एच पर काटती है। इन बिंदुओं को मिलाने पर जो वर्ग बनता है वो वर्ग सेकंड ब्रिलियन जोन कहलाता है। इन बिंदुओं को मिलाने पर बना वर्ग कौन सा ई एफ जी एच बना वर्ग सेकंड ब्रिलियन जोन कहलाता है। सेकंड ब्रिलियन जोन कहलाता है। इन बिंदुओं को मिलाने पर बना वर्ग ई एफ जी एच सेकंड ब्रिलियन जोन कहलाता है। नोट करो इसको। ये हो गया आपका जो खड़ी लाइनें हैं ब्लैक वो हो गई थर्ड ब्रिलियन जोन, जो हरी लाइनें हैं आडी वो हो गई सेकंड ब्रिलियन जोन, और जो बीच का जो खाली क्षेत्र है ए या वर्ग ए बी सी डी वो वर्ग ए बी सी डी है आपका फर्स्ट ब्रिलियन जोन। तो इस प्रकार से ये अपना द्विविमीय ब्रिलियन जोन कम्प्लीट हो गया। अब आता है आपका त्रिविमीय ब्रिलियन जोन, यानी इसमें तीन अक्षी होंगी के एक्स के वाई के जेड। तो हेडिंग डालो या इसको कल पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे त्रिविमीय ब्रिलियन जोन।